आखिर कब तक अदित और सौम्या अपने रिश्ते को छुपाएंगे। यहाँ आपको बता दें कि मंगल जो है वो अदित के बर्थडे को स्पेशल बनाने के लिए माइक्रोवेव में वो केक बनाती है। पहले तो हमेशा कुकर में बनाती थी, लेकिन इस बार वो अदित के पसंद के लिए वो माइक्रोवेव में केक बनाना सीखी और फिर वो अदित के लिए केक भी बनाई है ताकि जब अदित जी घर आए तो वो ये केक काट सके। यहाँ पर आपको बता दें कि सौम्या ने अलग ही पार्टी रखी है। यहाँ कैफे में उसने अदित को बुलाया और सरप्राइज पार्टी रखी है जहाँ सिर्फ सौम्या और साथ में अदित है। यहाँ पर अदित ये देखता है कि पूरा कैफे डेकोरेट किया गया है और सामने केक है और हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है। वो ये सब देखकर बड़ा आश्चर्यचकित होता है। सौम्या अदित को केक काटने के लिए कहती है। जैसे ही अदित केक काटने वाला होता है तब तक वहाँ पर कुसुम के पति और यहाँ पर जो अदित है उसका छोटा बेटा, ये तीनों पहुँच जाते हैं। तीनों पहुँचते और कुसुम इस तरीके से अदित को केक काटता देखती है तो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि अदित हम तुम्हारा घर पर इंतज़ार कर रहे हैं और तुम यहाँ पर केक काट रहे हो घर वालों को छोड़कर। क्या घर वाले तुम्हारे लिए अहमियत नहीं रखते? यहाँ पर अब जो है कुसुम को जो शक है वो गहराता जा रहा है सौम्या और अदित के रिश्ते को लेकर। सौम्या कहती है कि आंटी जी ये सरप्राइज पार्टी है और ये पूरे ऑफिस वालों ने रखा है। तो यहाँ पर कुसुम पूछती है कि अगर पूरे ऑफिस वालों ने रखा है तो दूसरे लोग कहाँ हैं ऑफिस के? यहाँ पर सौम्या कहती है कि वो लोग आ ही रहे होंगे। यहाँ पर अदित तो पकड़ा जा ही चुका है, लेकिन यहाँ पर अब जो है कि कुसुम ये चाहती है कि अब अदित घर चले, मंगल ने जो केक बनाया उस केक को काटे। यहाँ पर अब देखना दिलचस्प होता है कि क्या सौम्या ने जो इतनी सजावट करवाई, केक लाया, ये क्या बिना काटे ही अदित चला जाएगा या फिर कुछ और बड़ा धमाका होगा। बल जो भी होगा उसकी अपडेट हम आप तक पहुँचाएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही।